Hello everyone, welcome to our YouTube channel Dream Lavasana Aspire to Achieve. In today's prelims dose, we are going to discuss about recently inducted destroyer INS Marmugao. This destroyer is inducted in our Navy's fleet and is built under the Project 15B. This is Vishakhapatnam class destroyer and it is the second one. First one is INS Vishakhapatnam and the four destroyers will be built under this Project 15B. Now, coming to INS Marmugao features, it is one of the most potent warships to have been constructed in our country. ये सबसे potent warship है जो कि हमारी country के अंदर built हुआ है. It is 163 meter long and 17 meter wide. Displacement weight is 7400 tons when it is fully loaded. इसको चार gas turbine power देंगे. और ये सिस्टम कहलाएगा कंबाइंड गैस एंड गैस कॉन्फ़िगरेशन. प्रोपल्शन सिस्टम इसका जो है वो शिप को 30 नॉट की स्पीड देगा, यानी कि 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड देगा. इसकी रेंज जो है वो 4000 नॉटिकल माइल्स की है और इसका क्रू जो होगा वो मैक्सिमम 300 पर्सनल्स का हो सकता है. सबसे अच्छी बात यह है कि ये 75% इंडिजीनियस कंटेंट यूज़ किया गया है इसमें, जो कि क्रूशियल है हमारे नेवी के 15 इयर्स इंडियन नेवल इंडिजनाइजेशन प्लान के लिए, जो कि 2015 से चल रहा है, 2030 तक चलेगा. अब इस डिस्ट्रॉयर की कैपेबिलिटीज़ के बारे में बात करें तो इसमें फायर पावर के लिए ब्रह्मोस मिसाइल का यूज़ किया गया है, जो कि सरफेस टू सरफेस मिसाइल इसमें लगाई गई है. और फिर बराक 8 मिसाइल का यूज़ किया गया है, वो सरफेस टू एयर मिसाइल यूज़ की गई है लॉन्ग रेंज के लिए. और इसमें एक गन लगाई गई है जो कि 76 mm सुपर रेपिड गन है. लॉन्चर्स की बात करें तो इसमें RBU-6000 एंटी सबमरीन रॉकेट लॉन्चर्स लगाए गए हैं और दूसरा है इसमें 533 mm का टॉर्पीडो लॉन्चर भी लगाया गया है. डिजिटल नेटवर्क की बात करें तो इसमें गीगाबाइट इथरनेट बेस्ड शिप डेटा नेटवर्क यानी कि GESDN लगाया गया है. कॉम्बैट मैनेजमेंट सिस्टम लगाया गया है. ऑटोमेटिक पावर मैनेजमेंट सिस्टम यानी कि APMS लगाया गया है और इंटीग्रेटेड प्लेटफॉर्म मैनेजमेंट सिस्टम भी लगाया गया है. इसके साथ ही शिप डेटा नेटवर्क यानी कि SDN भी लगाया गया है. SDN की बात करें तो ये सेंसर और वेपन से जो भी डेटा आएगा उसके लिए हाईवे की तरह काम करेगा. सेंसर्स ने जो भी डेटा भेजा है वो तुरंत रिसीवर के पास पहुंचना चाहिए. इसका काम है कि उसको एक अच्छा रूट प्रोवाइड करना. इंटीग्रेटेड प्लेटफॉर्म मैनेजमेंट सिस्टम की बात करें तो ये मशीनरी और ऑक्सिलरी को कंट्रोल और मैनेज करेगा. कॉम्बैट मैनेजमेंट सिस्टम की बात करें तो ये परफॉर्म करेगा थ्रेट इवेल्युएशन को एंड रिसोर्स एलोकेशन को, यानी कि जो हमारे दुश्मन के शिप्स होंगे उनसे हमारे डिस्ट्रॉयर को क्या थ्रेट्स हैं उसके बारे में ये इवेल्युएशन करेगा. और हमारे पास जितने भी वेपन्स होंगे उनका एलोकेशन को भी यही कंट्रोल करेगा, मतलब कि कौन से डिस्ट्रॉयर के लिए, दुश्मन के डिस्ट्रॉयर के लिए कौन सा वेपन कब कहाँ पे यूज़ करना है, ये सारी चीज़ यही देखेगा. और इसके APMS की बात करें तो ये पावर मैनेजमेंट सिस्टम को कंट्रोल करेगा. आगे बढ़ते हैं, इसके अदर फीचर्स के बारे में देख लेते हैं. तो इसमें बैटल डैमेज कंट्रोल सिस्टम्स भी लगे हुए हैं, साथ ही साथ डिस्ट्रीब्यूशनल पावर सिस्टम भी दिया गया है. और इसकी कैपेबिलिटी कैरी एंड ऑपरेट मल्टी रोल हेलीकॉप्टर्स को भी ये कैरी ऑपरेट कर सकता है. इसमें टोटल एटमॉस्फेरिक कंट्रोल सिस्टम है, बाहर चाहे न्यूक्लियर रेडिएशन ही क्यों ना हो लेकिन अंदर बैठे हुए हमारे जो सैनिक हैं उन पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, इतना एडवांस है ये. एनहेंस्ड स्टील्थ फीचर्स इसमें हैं और मल्टीपल फायर जोन्स भी हैं, ये इसकी कैपेबिलिटीज़ हैं. अब आगे हम लोग बढ़ते हैं, इसके स्ट्रेटजिक इंपॉर्टेंस के बारे में देख लेते हैं. स्ट्रेटजिक इंपॉर्टेंस में सबसे पहला पॉइंट ये है कि चाइना को काउंटर करना है. दूसरा, रूल बेस्ड फ्रीडम ऑफ नेविगेशन, यानी कि जो ट्रेडिंग शिप्स वगैरह जाते हैं इंडियन ओशन से उनको अच्छा नेविगेशन प्रोवाइड करना बिना डिस्टर्बेंस के, चाइना ज़्यादा दिक्कत करता है. एंड सिक्योरिटी ऑफ सी रूट्स के बारे में, ये इसकी स्ट्रेटजिक इंपॉर्टेंस. एडवांटेजेस के बारे में बात करें तो इसका स्ट्रेटजिक एडवांटेज मिलेगा. दूसरा, ये हमारी आर्म फोर्सेस की कैपेबिलिटीज़ को, कॉम्बैट कैपेबिलिटीज़ को एनहांस करेगा. तीसरा है, ये एंटी एयरक्राफ्ट और एंटी सबमरीन वॉरफेयर के दोनों के लिए कैपेबल है. अब हम लोग बात कर लेते हैं प्रोजेक्ट 15B के बारे में. तो प्रोजेक्ट 15B हमारा लॉन्च हुआ था 2011 में और ये फॉलो ऑन था प्रोजेक्ट 15A का. प्रोजेक्ट 15B के अंडर जो बनते हैं डिस्ट्रॉयर्स उनको विशाखापट्टनम क्लास का बोला जाता है. और इसका एम था कि एडवांस्ड टेक्नोलॉजीज़ या एडवांस जो कॉन्सेप्ट के वॉरफेयर बेस्ड होते हैं उनको इंडक्ट करना है इसमें, जैसे कि अच्छे सेंसर्स हो गए और स्टेल्थ फीचर्स वाले हो गए, एनहांस्ड स्टेल्थ फीचर्स,
या हाईली ऑटोमेशन की तरफ जो भी चलता है वो प्रोजेक्ट 15B के अंडर डिस्ट्रॉयर्स बन रहे हैं उनका है। प्रोजेक्ट 15A के बारे में अगर हम लोग बात करें तो उसका सिर्फ फोकस इतना था कि हम एडवांस टेक्नोलॉजी और इक्विपमेंट सर्फेस शिप्स के लिए यूज़ करें। 15A की बात कर रहे हैं, उसका मेन एम था कि एडवांस वेपन्स को यूज़ करें। 15B का एम है कि जो ज़्यादा से ज़्यादा एडवांस वेपन हैं सबसे मॉडर्न वाले और जितने ज़्यादा ऑटोमेशन हो सके उस पर फोकस करें। और जो 15A के अंडर आते हैं उनको कोलकाता क्लास का कहा जाता है, बी के अंडर विशाखापट्टनम क्लास, ए के अंडर कोलकाता क्लास, और फिर एक है हमारा प्रोजेक्ट 15। ये हमारा लॉन्च हुआ था 1990s में और इसके अंडर जो डिस्ट्रॉयर शिप्स वगैरह बनते हैं उनको डेली क्लास का बोला जाता है, ठीक है। उसका एम था प्रोजेक्ट 15 का कि जो हमारे शिप्स हैं उनको गाइडेड मिसाइल्स प्रोवाइड करी जाएं, हमारी इंडियन नेवी को उसमें गाइडेड मिसाइल्स को इंडक्ट किया जाए। ये तीनों प्रोजेक्ट हो गए, उम्मीद है आप लोगों को समझ में आए होंगे। अब हम लोग एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट INS मार्मोगांव। अगर आपने लेक्चर ध्यान से सुना है तो मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोग सही सही क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे। पहला स्टेटमेंट है कि जो हमारा डिस्ट्रॉयर है वो 100% इंडिजीनियस कंटेंट यूज़ किया गया है इसमें, अंडर इंडियन नेवल इंडिजनाइजेशन प्लान INIP जो कि 2015 से 2030 तक चलेगा। दूसरा स्टेटमेंट है वन ऑफ द मोस्ट पोटेंट वारशिप्स टू हैव बीन कंस्ट्रक्टेड इन द कंट्री। हमारी कंट्री में जो वारशिप बन रहे हैं उनमें से जो सबसे पोटेंट हैं उनमें से ये एक है। तीसरा है फायर पावर इंक्लूड्स ब्रह्मोस सरफेस टू सरफेस मिसाइल, बराकेट सरफेस टू एयर मिसाइल एंड सुपर रैपिड गन। ये फायर पावर में ये तीन चीज़ें इसमें हैं। सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग। ऑप्शन ए वन एंड टू ओनली, ऑप्शन बी टू ओनली, ऑप्शन सी टू एंड थ्री ओनली एंड ऑप्शन डी थ्री ओनली। आप लोग कमेंट सेक्शन में आंसर दीजिएगा, जिसका आंसर सही होगा मैं उसको लाइक कर दूंगा। हमारे वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आपका थैंक यू सो मच। चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। कीप स्टडींग, स्टे ब्लेस्ड, हैव अ गुड डे अहेड।